आज का टॉपिक है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या है? एक ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को लीवर में कन्वे करता है फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्प्लीन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर एक्सेप्ट लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड इनर कैनाल, द लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम और इनर कैनाल। सो उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टल वेन। पोर्टल वेन स्टार्ट कहां से होती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज कहां से होती है? सुपीरियर मेजेंटिक वेन देखोगे, कैपिलरीज से स्टार्ट होती है। कौन सी? पोर्टल वेन। और लीवर में जाके अगेन कैपिलरीज और साइनसॉइड में इंडो जाती है। उस ड्रेनेज सिस्टम को बोलते हैं पोर्टल वेन या पोर्टल वेनस सिस्टम। अब लोकेशन देखते हैं पोर्टल वेन की। ये क्या होती है? L2 के लेवल लंबर वर्टिब्रा, L2 लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे जो पोर्टल वेन है वो किसे मिलेगा? सुपीरियर मेजेंटिक। पोर्टल वेन प्रोजेक्शन होती है। जो सुपीरियर मेजेंटिक वेन, इज द सुपीरियर मेजेंटिक वेन, सुपीरियर मेजेंटिक जो गट से कैपिलरी फॉर्म में ब्लड लेकर आता है और बिहाइंड द नेक ऑफ द पैनक्रिया, सो दिस इज द नेक ऑफ द पैन, बिहाइंड द नेक ऑफ द पैनक्रिया, ये स्प्लीनिक वेन से यूनाइट हो गया, यूनाइट विद द स्प्लीनिक वेन, सो डॉट डॉट डॉट, सो दैट द पोस्टीरियर लेसन ऑफ द स्प्लीनिक वेन, सो इट यूनाइट विद द स्प्लीनिक वेन एट द L2 वर्टिब्रा, लेवल ऑफ द L2 वर्टिब्रा बिहाइंड द नेक ऑफ द पैनक्रियास, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पोर्टल वेन, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द पोर्टल वेन एंड ऑल्सो पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम, इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम, इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द डिओडेनम, दिस इज द बॉडी ऑफ पैनक्रियास, दिस इज द हेड ऑफ पैनक्रियास। सो पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम रनिंग अपवर्ड्स स्लाइटली राइट साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम एसेंड्स अपवर्ड्स इन द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम, सो इज द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर मोमेंटम, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द पोर्टल वेन एंड दिस पोर्टल वेन इज कन्वेड टू द लीवर टू द पोर्टा हेपेटिस बाय गिविंग अ टू ब्रांचेस। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन एंड लोकेशन ऑफ द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन हैविंग अ थ्री पार्ट, सो दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम divide the portal vein into three parts. A whole to the first part. So this part known as a supra duodenal part. Posterior to the first part of duodenum, known as a retro duodenal part. So this is the retro duodenal part. And below to the first part of the duodenum, up to the splenic vein. यूनियन ऑफ द स्प्लीनिक वेन अलोंग विद द सुपर मेजेंटिक वेन, दिस इज नोन एज द इंफ्रा ड्यूओडेनम पार्ट, सो दिस इज द इंफ्रा ड्यूओडेनम पार्ट ऑफ द ड्यूओडेनम। नाउ द रिलेशन ऑफ द ऑल दिस थ्री पार्ट्स ऑफ द पोर्टल वेन, सो फर्स्टली इंफ्रा ड्यूओडेनम पार्ट, एंटीरियर टू द फर्स्ट पार्ट देयर इज अ नेक ऑफ पैनक्रियास and bile duct, but the lake of pancreas and the bile duct and the posterior relations of all these three parts, that is the infraduodenum, retroduodenum and the supraduodenum, which is the inferior vena cava. So this is the relation of the first part, yeah, infraduodenal part. Now the retroduodenal part, anterior is the first part of duodenum,
gastroduodenal artery. So we have a celiac trunk which give rise to common hepatic artery. Common hepatic artery give a gastroduodenal artery. So this is a gastroduodenal artery and the hepatic artery. Okay. Wait, ध्यान दे यहाँ पे. So this is the hepatic artery. So this is the gastroduodenal hepatic artery. So this is the anterior, this is the hypoduodenum, gastroduodenal artery and the bile duct. Posterior is the inferior vena cava. On the supraduodenal part, the anterior is the hepatic artery and the bile duct. So this is the bile duct from the gallbladder. So this is the bile duct, the supraduodenal part. Inferiorly, so posteriorly there is the inferior vena cava. So between the inferior vena cava and the portal vein, there is a epiploid foramen. So the posterior lesion of the inferior vena cava is separated from the portal vein by the epiploid foramen. So this is the course and formations of the portal vein. Now the tributaries of the portal vein. So this is the splenic vein. This is the inferior mesenteric vein. This is the superior mesenteric vein. So superior mesenteric vein unite with the splenic vein. So there is the formation of the portal vein. So this is the splenic vein. Splenic vein is the inferior mesenteric vein. This is the superior mesenteric vein. Okay. So this is the formation of portal. Now tributaries on right side will give a first tributary, that is a superior pancreatico duodenum. That is a superior pancreatico duodenum. On left side, we got two tributaries. Superiorly, this is the left gastric artery. Left gastric vein. Inferiorly receive, that is a right gastric vein. This is a right gastric vein. Right gastric vein give a, this is one tip, is the peripyloric vein. So peripyloric vein. Left gastric vein give one tributary, that is for the esophagus, that is a esophageal tributaries. And so this is the tributaries of portal vein, and give a two branches, that is the right branch for the right lobe of the liver and the left branch from the left lobe of the. So right branch is a, this is a right branch. Right branch is a wider and smaller than the left branch. So this is the left branch. Right branch, before supplying the right lobe of the liver, it receives a cystic vein from gallbladder. This is the cystic vein, and the left branch receive paraamblyopia vein, which is the remnant of ligamentum teres. So this is the paraamblyopia vein. So this is the paraamblyopia vein. So this is the tributaries of the portal vein. So there is a one thing in the portal vein, the venous drainage, the blood from the
portal vein, sorry, supramedullary vein and the splenic vein, they are not mixed with each other in the portal vein. So blood from the supramedullary vein supplying the right lobe of the liver, they are drained into the right lobe of the liver. Blood from the splenic vein drained into the left lobe of the liver. So this flow of blood is known as a streamlined flow of blood in the portal vein. So this is about the portal vein formations, reduces of the portal vein. Thank you for watching.